मोदी सरकार दो में केंद्रीय मंत्री बनने के बाद गिरिराज सिंह बिहार आए हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पटना एयरपोर्ट पर समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। वहीं केंद्रीय मंत्री ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला किया। उन्होंने मीडिया के पूछे जाने पर कहा कि कुछ भी कर लें, ममता बनर्जी का जाना तय है। उन्होंने ममता बनर्जी की तुलना तानाशाह शासक किम जोंग से की। गिरिराज सिंह आज अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय जाएंगे। बीजेपी के टिकट पर बेगूसराय से रिकॉर्ड मतों से जीते गिरिराज सिंह को इस बार मोदी कैबिनेट में पशुपालन, डेयरी और मत्स्य मंत्री बनाया गया है। मंत्री बनने के बाद वे पहली बार बिहार आए हैं। बता दें कि इसी सप्ताह गिरिराज सिंह ने इफ्तार पार्टी पर ट्वीट कर बिहार की सियासत में बवाल मचा दिया था। सियासी हलचल इतनी तेज हो गई थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बिना नाम लिए तंज कसने में पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति दूसरे धर्म की इज्जत नहीं करता वो अधार्मिक है। जेडीयू के लिए गुड न्यूज। जेडीयू को अरुणाचल प्रदेश में राज्य पार्टी का दर्जा मिल गया है। ये दर्जा भारत निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को दिया। निर्वाचन आयोग ने विधिवत इसे लेकर पत्र जारी किया। उधर अरुणाचल प्रदेश में राज्य पार्टी का दर्जा मिलने से उत्साहित जेडीयू अब जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव में जोर लगाएगी। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आफाक खान ने इस संबंध में बताया कि विधानसभा चुनाव में 9.85% वोट मिलने के बाद शुक्रवार को चुनाव आयोग ने अरुणाचल में जेडीयू को राज्य पार्टी का दर्जा दे दिया है। 60 संसदीय विधानसभा में जेडीयू के 15 उम्मीदवार खड़े हुए थे, उनमें से 7 की जीत हुई थी। लोकसभा चुनाव में आरजेडी हार की मुख्य वजह तलाश रही है ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में दोबारा दमदार लड़ाई की जमीन तैयार की जा सके। 3 सदस्यीय टीम को हफ्ते भर में रिपोर्ट देनी है। अभी तक जो मुख्य वजह सामने आई है उनमें सवर्ण आरक्षण का विरोध, महागठबंधन के घटक दलों के आधार वोट का ट्रांसफर नहीं होना और यादवों का अति पिछड़ी जातियों के साथ तालमेल नहीं हो पाना प्रमुख है। कमेटी के निष्कर्ष लेकर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मिलने रांची रवाना हो गए हैं। चुनाव नतीजे के बाद हार की हताशा से उबरने के लिए आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व ने तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में पराजय के वास्तविक कारणों की पड़ताल जरूरी समझी थी। लोकसभा चुनाव में आरजेडी के सफाई के बाद पार्टी और उसके नेता सदमे में हैं, लेकिन लगता है लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने हार नहीं मानी है। वे फिर से संगठन में जान फूंकने की कवायद में लगे हैं। इसी सिलसिले में आज राष्ट्रीय जनता दल की छात्र इकाई की बैठक पटना में होगी। इसमें छात्र आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष चुना जा सकता है। बताया जा रहा है कि ये बैठक आरजेडी दफ्तर में होने जा रही है। आरजेडी दफ्तर में होने वाली बैठक इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है क्योंकि जनवरी महीने में तेज प्रताप यादव ने छात्र आरजेडी के संरक्षक पद से इस्तीफा भी दे दिया था। देश भर में जेडीयू के सदस्यता अभियान की शुरुआत आज यानी शनिवार से होगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह सहित पार्टी के सांसद और विधायक अपने अपने बूथ पर 25 सदस्यों को सदस्यता दिलाकर सक्रिय सदस्य बनाएंगे। इस अभियान की शुरुआत पार्टी के प्रदेश कार्यालय में नीतीश कुमार करेंगे। इस मौके पर पार्टी के विभिन्न प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष भी उपस्थित रहेंगे। जेडीयू के सदस्यता अभियान को बिहार विधानसभा की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। ज्ञात हो कि बीते वर्ष जेडीयू ने 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा था। इस बार लक्ष्य में और इजाफा होने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।